सोलन के बासु डोगर ने भारतीय वन सेवा की परीक्षा में पहले ही झटके में सफलता हासिल कर सोलन और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि आईएफएस परीक्षा में देशभर से करीबन 4 लाख युवाओं ने इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाया था, जिसमें से मात्र 1300 युवाओं को चुना गया है और इंटरव्यू केवल 301 युवाओं का हुआ है, जिसमें केवल 110 युवाओं का ही चयन हुआ। चुने गए युवाओं में बासु का आईएफएस परीक्षा में 40वां रैंक आया है, जिसके चलते आज सोलन में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बासु रॉयल बैंक काउंटलैंड में निजी जॉब कर रहा था, लेकिन बासु का लक्ष्य कुछ और था, इसलिए वह निजी नौकरी के साथ साथ वह आईएफएस की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करता रहा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा गतिशील रहा। यही कारण है कि आज सफलता बासु के कदम चूम रही है, जिसे देखकर जहां वासु और उसका परिवार खुश है, वहीं शहरवासी भी उसकी सफलता पर फक्र महसूस कर रहे हैं। वासु के पिता इंजीनियर शिवेंद्र डोगर मॉडल आईटीआई सोलन के प्रिंसिपल हैं और माता अर्चना डोगर सोलन में अध्यापिका हैं। वह माता पिता व गुरुजनों के सही मार्गदर्शन, अपनी छोटी बहन सांची डोगर के सहयोग और दादी प्रेम डोगर और नाना शमशेर चंद सूद और नानी कृष्णा सूद के आशीर्वाद को अपनी सफलता का श्रेय देते हैं। सफलता प्राप्त करने के बाद बासु डोगर ने बताया कि वे देश और पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आईएफएस को चुना, जिसमें वह दोनों के लिए कुछ कर सकता था। उन्होंने कहा कि जो उन्हें सफलता मिली है उसमें उनके परिवार का अहम हाथ है, क्योंकि वह हर मोड़ पर उनके साथ खड़े रहे और हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर वह आज इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में इस साल 40वां रैंक हासिल किया है। मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसलिए चूज की क्योंकि मेरा रुझान इस तरफ था। मैं चाहता था कि मैं किसी ना किसी तरह से एनवायरनमेंट के लिए और नेचर के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ ना कुछ करूं, और इस सर्विस के थ्रू मुझे एक ये मौका भी मिला कि मैं लोगों को खुश कर सकूं। मैं अपनी खुशी लोगों की खुशी में देखता हूं। पूरा हार्डवर्क करूंगा, पूरी डेडिकेशन के साथ मैं काम करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं जिस भी केडर में जाऊं, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है तो मुझे जो भी केडर मिले, जहां पे भी मैं जाऊं, वहां पे मैं अपना 100% देके फॉरेस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन जरूर करना चाहूंगा। मैं इस यहां तक पहुंचने का श्रेय सबसे पहले तो अपने माता पिता और मेरी छोटी बहन और दोस्त जो हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखते थे, उन्हें देना चाहूंगा, और साथ ही साथ मेरे बुजुर्गों की, दादा दादी नाना नानी की ब्लेसिंग्स हमेशा से मेरे साथ रही हैं, तो उन्हें भी मैं बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगा।